Reaction Reels. वेलकम टू रिएक्शन रील्स, दिस इज सहर। आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ उसका टाइटल है एवोल्यूशन ऑफ रणबीर कपूर 2007 टू 2027। अभी जा रहा है 2024, तो इनकी जो ये वीडियो है 2027 तक की जो है बन चुकी है। तो गाइज हम देखते हैं, क्योंकि इनकी जो मूवीज़ हैं वो आगे भी आने वाली अपकमिंग मूवीज़ भी हैं इनकी एनिमल के बाद। तो गाइज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या इनकी सारे कैरियर में क्या क्या रहा है, कौन से फेलियर रहे हैं, कौन से इनकी जो है मूवीज़ टॉप पे गई हैं, और मूवीज़ जो है इनकी सांवरिया से लेके अभी तक की जो एनिमल तक हैं। तो गाइज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो चले गाइज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज हम बात करेंगे कपूर फैमिली के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड हाईएस्ट पेड एक्टर रणबीर कपूर की जर्नी के बारे में। कैसे अपनी एक्टिंग के दम पे उन्होंने अपने ग्रैंडफादर राज कपूर और ग्रेट ग्रैंडफादर पृथ्वीराज कपूर की लेगेसी को प्राउडली मेंटेन करके रखा है। एवोल्यूशन ऑफ सुपरस्टार रणबीर कपूर। गाइज, रणबीर कपूर का जन्म 28 सितंबर 1982 के बॉम्बे में हुआ था, एंड उनके पेरेंट्स ऋषि कपूर एंड नीतू सिंह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर्स रह चुके हैं। रणबीर कपूर ने अपने करियर की शुरुआत 1999 में आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म आ अब लौट चले में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे की थी, जिसमें उन्होंने अपने फादर ऋषि कपूर को असिस्ट किया था और तब रणबीर कपूर सिर्फ 16 साल के थे। इसके बाद फिल्म मेकिंग और मेथड एक्टिंग सीखने के लिए रणबीर ने न्यूयॉर्क में स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स और ली स्ट्रासबर्ग थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया। और फिर 2004 में उनकी एक शॉर्ट फिल्म कर्मा रिलीज हुई, जिसे बी आर चोपड़ा के ग्रैंडसन अभय चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। अभी तक मैंने आपको गलत समझा, आपके प्यार को गलत समझा, बहुत दूर चला गया था ना मैं पापा, मैंने आपको बहुत दुख दिया पापा। फिर साल 2005 में आई संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में रणबीर सर ने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। और फिर 2 साल बाद 2007 में आई संजय लीला भंसाली की ही फिल्म सावरिया में रणबीर कपूर और सोनम कपूर ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में रणबीर ने एक ट्रैम्प यानी आवारा का रोल प्ले किया था, जो उनके ग्रैंडफादर राज कपूर सर के आइकॉनिक रोल्स के लिए एक ट्रिब्यूट था। आवारा हूं। और उनकी पहली ही फिल्म में रणबीर का ये टॉवल सीन काफी पॉपुलर। तब से रब भी यार हुआ था। इस फिल्म को जनरली मिक्स रिव्यूज मिले। जहां फिल्म की स्टोरी और स्लो स्क्रीन प्ले को क्रिटिसाइज किया गया, वहीं फिल्म की स्टार कास्ट, म्यूजिक और प्रोडक्शन डिजाइन की तारीफ हुई। देखो चांद इनफैक्ट इस फिल्म के लिए रणबीर सर को डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में बेस्ट डेब्यू एक्टर के 6 अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड। में पब्लिश हुई एक शॉर्ट स्टोरी व्हाइट नाइट्स पे बेस्ड फिल्म सावरिया 45 सीआर के अगेंस्ट 39.2 सीआर की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। फिर साल 2008 में आई यशराज फिल्म्स के अंडर बनी रणबीर कपूर की खुद की अनऑफिशियल बायोपिक बचना ए हसीनो। लोग पहले काम करते हैं, बाद में उनके काम पे बायोपिक बनती है। सर ने उल्टा किया, सर ने पहले बायोपिक बनाई बाद में कर्मकांड किए। मेरी बात और है, मैं तो किलर हूँ, मुझे ये प्यार 3 बार मिला। इस फिल्म का टाइटल रणबीर के फादर ऋषि कपूर के पॉपुलर सॉन्ग बचना ए हसीनो से लिया गया है। ए बचना ए हसीनो, रो मैं आ गया। इस फिल्म में बिपाशा और मिनीषा से पहले कैटरीना और अमृता राव को कास्ट किया जाना था, बट अगर कैटरीना और दीपिका साथ में काम करती तो रणबीर की बायोपिक कुछ ज्यादा रियलिस्टिक नहीं बन जाती। ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल रही और फिल्म का म्यूजिक भी हिट रहा। बात बोल के राज खोलना।
खुदा जाने के मैं फिदा हूँ। छोटी उंगली पे न चाहेगी तुम्हें सिर्फ 23 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 61.57 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर साल 2009 में आई फिल्म लग बाय चांस में रणबीर सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। शांतिजी आपको डेट दे देंगे 2015 में। इसके बाद आई धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बनी आयान मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई एक कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेकअप सिद। ये फिल्म भी बहुत सही है और नॉन कमर्शियल फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म सक्सेसफुल रही, जिसकी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन और इनफैक्ट सभी एस्पेक्ट्स में फिल्म को क्रिटिकल एक्लेम मिला। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। तू नहीं रहना मुझे आपके घर, मैं जा रहा हूं। गर्मी तो देखो। अरे तो मैं क्या करूं यार, आसमान से बारिश बरसाऊं? क्यों नहीं, जब इतने एफिशिएंट हो गया हर चीज में तो ये भी करके दिखाओ ना। लो तुम्हारी बारिश। मोरओवर फिल्म का टाइटल वेकअप सिद भी रणबीर कपूर ने खुद आयान मुखर्जी को सजेस्ट किया था। कोंकणा सेन शर्मा के साथ आई रणबीर की इस फिल्म ने 18 सीआर के अगेंस्ट 47.10 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर आई रणबीर और कैटरीना की साथ में एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी। और भाई इस फिल्म से तो बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हैं। प्रेम शंकर शर्मा प्रेसिडेंट हैप्पी क्लब का। उस दिन मॉल में ये लोग कोई लड़की उठाने आए थे। वो लड़की खुद उठना चाहती थी। नॉनसेंस। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले। हम वैसे भी नहीं मानने वाले। Shining in the setting sun like a pearl upon the ocean, come and feel me। फिल्म का ये वाला सॉन्ग तो मेरे स्कूल में इतना पॉपुलर था कि मैं स्पेशली ये सॉन्ग डाउनलोड करने के लिए साइबर कैफे गया था और सॉन्ग स्पीकर से डाउनलोड करके उस दिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिली थी वो मैं बता नहीं सकता। मैंने लिटरली लूप में सुन के इस सॉन्ग के लिरिक्स पेपर पे लिख के याद किए थे ताकि स्कूल में दोस्तों के सामने डायल मार सकूं। ये अंदाज अपना अपना के बाद डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की दूसरी कॉमेडी फिल्म थी जो क्रिटिक्स और ऑडियंस को काफी पसंद आई। तुम बहुत अच्छे हो। आई लाइक यू। थैंक यू बेटा। इसमें रणबीर की जगह पहले शाहिद कपूर लीड रोल प्ले करने वाले थे। 25 करोड़ में बनी ये फिल्म 103 करोड़ की कलेक्शन करके सुपरहिट रही। फिर आई यशराज फिल्म्स बैनर की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। यार ये फिल्म अंडररेटेड है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखना क्योंकि ये फिल्म मेन स्ट्रीम सिनेमा में इतनी पॉपुलर नहीं है, इसलिए मेजोरिटी ऑडियंस ने ये फिल्म नहीं देखी होगी। बट ट्रस्ट मी, फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। रिश्तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, मैं तो फिर भी सेल्समैन। सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 33.65 सीआर की मॉडरेट कलेक्शन की। 2009 में आई रणबीर सर की इन तीनों फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिर साल 2010 में आई प्रकाश झा की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म राजनीति में रणबीर और कैटरीना फिर से एक साथ नजर आए। ये फिल्म क्रिटिकली और कमर्शियली सक्सेसफुल रही जिसने 45 सीआर के अगेंस्ट 145.5 सीआर की कलेक्शन की। हमारे अच्छे और बुरे का निर्णय अब तुम नहीं, हम करेंगे वीरू भैया। और जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे जनता का भी जवाब मिल जाएगा तुम्हें। और फिर बचना है हसीनों के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद के साथ रणबीर सर ने फिर से काम किया एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनजाना अनजानी में। मुझे सुसु आई है। What? यहाँ भी? तुम यहाँ नहीं कर सकते, मुझे बाथरूम जाना। तुमने मुझे वहाँ पानी में करने दिया? तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि मुझे यहाँ गाड़ी में करना है। प्रियंका चोपड़ा के साथ आई रणबीर की इस फिल्म ने मॉडरेट कलेक्शन की जिसके सॉन्ग्स काफी पॉपुलर रहे। 38 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 69.85 सीआर की कलेक्शन की। सुबह सुबह भूत की तरह क्यों मंडरा रहे हो यार? व्हाट इज मंडरा रहे हो? Good.
छोकरे भेजा ना ठोकरे और ला है अपुन। फिर साल 2011 में आई फिल्म चिल्लर पार्टी के एक सॉन्ग में रणबीर सर ने स्पेशल अपेयरेंस दिया। मैंने ये भी सोचा है अक्सर, तू भी मैं भी सभी है शीशे। फिर आई वन ऑफ माई फेवरेट म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉकस्टार। Being a fan of rock music and Ranbir Kapoor, मेरा पहले से ही decided था कि ये फिल्म तो मैं थिएटर में ही देखूंगा। और भाई जो फितूर चढ़ा मुझे इस फिल्म का, रूम लॉक करके हेडफोन्स लगा के, बैट को गिटार और बैट को स्टेज समझ के जो खाली कमरे में मैंने परफॉर्मेंस दी है। इस फिल्म से इंस्पायर होके ही मैंने गिटार सीखना भी शुरू किया था। और ये रही आपके भाई की 10 साल पुराने गिटार के साथ फोटो। अपने रोल के प्रिपरेशन के लिए रणबीर सर पीतमपुरा के एक जाट फैमिली के साथ रहे। इतनी सी चटनी में दो समोसे खाऊं मैं? हाँ? जितने भी है तेरे कीड़े हैं ना, उन सब की लिस्ट माँ कसम शादी से पहले सारे मर डालेंगे। और गिटार सीखने के लिए उन्होंने ए आर रहमान सर के स्टूडियो में एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और रिलीज के बाद ये फिल्म यंग अर्बन क्राउड में इतनी पॉपुलर हुई कि ओवर द इयर्स इस फिल्म को कल्ट स्टेटस मिला। एंड रॉकस्टार के म्यूजिक को बेस्ट म्यूजिक एल्बम ऑफ द डेकेड का दर्जा मिला। शेरवाली शेरवाली अंबे माँ, माता रानी माता जगदंबे माँ। दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सबकी परवाह करें। यह फिल्म शम्मी कपूर सर के डिमाइस के 3 महीने बाद रिलीज हुई थी और रॉकस्टार ही उनकी लास्ट फिल्म थी। जब वी मेट में करीना की परफॉर्मेंस इम्तियाज अली सर को काफी पसंद आई थी एंड वो रॉकस्टार में भी करीना को ही कास्ट करना चाहते थे, बट रणबीर और करीना दोनों सिब्लिंग्स हैं इसीलिए नरगिस फाखरी को कास्ट किया गया और ये उनकी डेब्यू फिल्म बनी। और ये रणबीर सर की पहली फिल्म बनी जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। रेड पिट गई स्वाहा, चल उखाड़ ले स्वाहा। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना बड़ा, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए कटारा भाई, मेरा दिल नहीं टूटना चाहिए। और वो तीसरे एक्टर बने जिन्हें सेम फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड मिला हो। इससे पहले ऋतिक रोशन कोई मिल गया के लिए और अमिताभ बच्चन ब्लैक के लिए ये दोनों अवार्ड्स जीत चुके हैं। इस फिल्म को डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में 47 अवार्ड्स मिले जिनमें से रणबीर सर को 10 अवार्ड्स, मोहित चौहान सर को 8 अवार्ड्स और ए आर रहमान सर को 14 अवार्ड्स मिले। अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ में बनी फिल्म रॉकस्टार ने 110 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन की। फिर साल 2012 में आई अनुराग बासु सर की डायरेक्ट की हुई रणबीर कपूर के करियर की एक और कल्ट फिल्म बर्फी। ये फिल्म क्रिटिक्स और ऑडियंस को इतनी पसंद आई कि इसे डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में 69 अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग रणबीर सर को उनका दूसरा कंसेक्यूटिव बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। इस फिल्म में अपने रोल की प्रिपरेशन के लिए रणबीर सर ने रॉबर्टो बेनिनी, चार्ली चैपलिन और अपने ग्रैंडफादर राज कपूर सर के काम को ऑब्जर्व किया। अप्रोक्सीमेटली 35 CR में बनी फिल्म बर्फी 175 CR की कलेक्शन करके सुपर हिट रही। फिर साल 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज के एक सॉन्ग में रणबीर सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज। फिर आई एक ऐसी फिल्म जिसे जब भी देखो तुम्हारे अंदर दुनिया ट्रेवल करने वाला कीड़ा जाग जाता है, ये जवानी है दीवानी। मैं उड़ना चाहता हूँ ना,
दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। दीपिका और रणबीर के ब्रेकअप को मीडिया की मेहरबानी से इतनी पब्लिसिटी मिल चुकी थी कि ब्रेकअप के बाद इस फिल्म में दोनों के साथ काम करने से ही फिल्म की बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी। मेरे पास दिल होता ना, तेरी स्माइल पे पक्का आ जाता। अरे ओ जुम्मा मेरी जाने मन बाहर। फिल्म की स्टोरी टेलिंग और एंगेजिंग कैरेक्टर्स के साथ साथ फिल्म में फ्रेंडशिप, लव और सेल्फ डिस्कवरी जैसे एलिमेंट्स होना इस फिल्म को रिलेटेबल बनाता है, जिस वजह से इस फिल्म को कितना भी देख लो मन नहीं भरता। मेमोरेबल डायलॉग्स और ब्लॉकबस्टर साउंडट्रैक से भरी ये फिल्म भी रणबीर कपूर की कल्ट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हुई, जिसने 40 करोड़ के अगेंस्ट 320 करोड़ की कलेक्शन की। बड़े बाल है तेरे। फिर उसी साल रिलीज हुई रणबीर की एक्शन कॉमेडी फिल्म बेशरम फ्लॉप रही। इस मूवी को अनुराग कश्यप के छोटे भाई अभिनव कश्यप ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ दो ही फिल्में डायरेक्ट की हैं, एक दबंग और दूसरी बेशरम। इसके बाद उन्होंने फिल्में डायरेक्ट करना ही छोड़ दिया। इस मूवी में रणबीर के पेरेंट्स ऋषि सर और नीतू मैम भी काम कर चुकी हैं। मोर ओवर फिल्म का सॉन्ग लव की घंटी रणबीर सर ने खुद गाया है। लव की घंटी बज गई मेरी, देखा उसको प्यार हुआ। वेट अ मिनट तेरे जंती के बसेरानो ओ बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ। पहले लड़की थोड़ा सा भड़की, बोली आए हो तुम क्यों यहाँ। क्रिटिक्स से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिलने वाली इस फिल्म ने 83 सीआर के अगेंस्ट 102.85 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। ईयर 2014 में आई फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में रणबीर सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। इधर आके फिर से बोल। सर शॉट रेडी है सर। दोनों कानों से सुनाई नहीं दे रहा। बात समझ में आई? अब स्टीवन स्पीलबर्ग शर्म कर, जाकर वोटर आईडी बना। इसके अलावा उसी साल आई फिल्म पीके में भी रणबीर सर ने कैमियो किया। हमारा एक सवाल है, का तुहार लास्ट टाइम यहाँ कितना बार धुलाई हुआ था? फिर साल 2015 रणबीर सर के करियर के लिए कुछ खास नहीं रहा। उस साल उनकी तीन फिल्में रिलीज हुई और तीनों फ्लॉप रही। पहली थी अर्जुन रामपाल और जैकलिन फर्नांडिस के साथ आई एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म रॉय। इस फिल्म को क्रिटिक्स से नेगेटिव रिव्यूज मिले, खासकर फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायरेक्शन को क्रिटिसाइज किया गया, बट फिल्म का म्यूजिक हिट था। मतलब और सिर्फ म्यूजिक डिपार्टमेंट में ही इस फिल्म को डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में 10 अवार्ड मिले। इसके बाद रणबीर और अनुष्का की पीरियड गैंगस्टर फिल्म बॉम्बे वेलवेट डिजास्टर रही। अपन को जो चीज मांगता है दुनिया बोलती है अपन के औकात के बाहर, इसलिए अपन को अपन का औकात बदलने का। हाई बजट, मिक्स रिव्यूज और लिमिटेड ऑडियंस अपील की वजह से 118 सीआर में बनी अनुराग कश्यप की इस फिल्म ने 43 सीआर के ग्रॉस कलेक्शन की। मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में। फिर आई वन ऑफ माय फेवरेट एंड रणबीर और दीपिका की मोस्ट अंडररेटेड फिल्म तमाशा। इतनी फाइट मार के तो यहाँ आया हूँ जब मुझे कोई नहीं जानता, मैं कोई भी हो सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को पड़ी नहीं डॉन। मोना डार्लिंग। तो मैं आपको मोना कहूँ या इनिशियली इस मूवी को कुछ खास रिस्पांस नहीं मिला था, बट ओवर द इयर्स वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से फिल्म ने स्ट्रॉन्ग कल्ट फॉलोइंग गेन कर ली। तू ही है वो जिससे खेला था मैं खो खो। और अगर अभी तक आपने ये फिल्म नहीं देखी तो मेरे कहने पर एक बार जरूर देखना, सच बता रहा हूँ बहुत पसंद आएगी। एंड फिल्म में पैशन वर्सेस प्रोफेशन वाला एलिमेंट भी काफी रिलेटेबल लगेगा। वही तो तुम नहीं हो, मैं जानती हूँ तुम कौन। हाँ, तू जानती है मैं कौन, और कोई नहीं जानता। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, मैं खुद नहीं जानता, मगर तू 7 दिन कोर्सिका में तू पक्का जानी है कि मैं कौन हूँ। ये दिन आ गए, एक लड़की क्या छोड़ गई, दिमाग ये खराब हो गया। इस मूवी में रणबीर कपूर के यंगर सेल्फ का रोल प्ले करने वाले चाइल्ड एक्टर यश सहगल बॉम्बे वेलवेट में भी रणबीर के चाइल्डहुड का रोल प्ले कर चुके हैं। जिंदगी में दर्द
इम्तियाज अली की डायरेक्ट की हुई फिल्म तमाशा ने 87 सीआर के अगेंस्ट 136 सीआर के ग्रॉस कलेक्शन की। तो कोई बात नहीं, अपनी कहानी है, एंडिंग चेंज कर लेंगे। फिर साल 2016 में आई एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म ए दिल है मुश्किल। इस फिल्म में रॉकस्टार के बाद रणबीर एक बार फिर एक सिंगर के रोल में नजर आए। ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, राघण दे यार बुलेया, सुन ले पुकार बुलेया तू ही। फिल्म में प्रीतम सर का कंपोज किया हुआ म्यूजिक इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर था, जिस वजह से इस फिल्म की हाइप भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे आ, मेरे आ। Say congratulations. I love you. Shit. मोर ओवर इस फिल्म का टाइटल 1956 में आई फिल्म CID के एक सॉन्ग ए दिल है मुश्किल पे रखा गया है। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। शक्ल देखिए अपनी, हॉट लग रहे हो। हॉट इनफैक्ट ऐश्वर्या और रणबीर का साथ में काम करना भी फिल्म की हाईलाइट थी। इसके अलावा फिल्म में SRK का कैमियो अपीयरेंस भी था, और हमारे चैनल की मोस्ट वॉच्ड वीडियो भी शाहरुख खान सर की ही है। आसान है क्या दिया? ऐसी मोहब्बत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले। It's the most beautiful feeling in the world. डिफरेंट अवार्ड सेरेमनीज में इस फिल्म को 25 अवार्ड्स मिले, जिनमें से 17 अवार्ड्स तो म्यूजिक कैटेगरी के ही थे। 50 करोड़ के अगेंस्ट इस फिल्म ने अप्रोक्सीमेटली 240 करोड़ की कलेक्शन की। गा के बोलता हूँ ताकि यू नो स्मूथ हो जाए। ईयर 2017 में आई रणबीर और कैटरीना की साथ में एक एडवेंचर कॉमेडी फिल्म जग्गा जासूस और फिल्म बर्फी के बाद ये डायरेक्टर अनुराग बासु रणबीर की साथ में दूसरी फिल्म थी। बट अनुराग सर ने बताया कि रणबीर और कैटरीना के ब्रेकअप के बाद सेट पे उनके बीच ओकेजनल आर्गुमेंट्स की वजह से शूट डिले हो जाया करता था, जिस वजह से फिल्म के कुछ सीन्स में वो इम्पैक्ट नहीं आ पाया जो वो एज ए डायरेक्टर क्रिएट करना चाहते थे। इसके अलावा मल्टीपल डिलेज, स्क्रिप्ट में चेंजेस और मल्टीपल रीशूट्स के बाद बनी फिल्म जग्गा जासूस एक डिजास्टर रही, जैसे क्रिटिक्स से भी मिक्स रिव्यूज मिले। बट ओवरऑल फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक की तारीफ हुई। 131 सीआर के अगेंस्ट इस फिल्म ने 86.85 सीआर की ग्रॉस कलेक्शन की। इसके बाद ईयर 2018 में नेटफ्लिक्स पे आई विक्की कौशल की फिल्म लव पर स्क्वायर फुट में रणबीर सर ने कैमियो किया। प्रेशर ही चला गया। इसके अलावा उसी साल आई माधुरी दीक्षित की एक मराठी फिल्म बकेट लिस्ट में भी रणबीर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। ऐसे प्यार से लोग मुझे भी रणबीर कहते हैं। इसे तो लगता है मैं उसके जैसे दिखता भी हूँ। फिर आई राजकुमार हिरानी सर की डायरेक्ट की हुई संजय दत्त की लाइफ पर बेस्ड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म संजू। संजय दत्त का कैरेक्टर प्ले करने के लिए हिरानी सर के फर्स्ट चॉइस हमेशा से रणबीर कपूर ही थे, बट प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा सर को लग रहा था कि एक्टर रणवीर सिंह ज्यादा अच्छे से खुद को संजय दत्त के कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब शूटिंग शुरू हुई तो विनोद चोपड़ा सर को अपने वर्ड्स वापस लेने पड़े जब उन्होंने रणबीर कपूर को एज संजय दत्त एक्ट करते हुए देखा। वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? डायरेक्टर राजकुमार हिरानी सर ने बताया कि रणबीर सर ने इस फिल्म के लिए कितना हार्डवर्क किया है। करेक्ट फिजिकैलिटी अचीव करने से लेकर संजय दत्त का एटीट्यूड अडेप्ट करने के लिए रणबीर ने उनकी कई वीडियोस और मूवीज देखी। इनफैक्ट उन्होंने इस मूवी में संजय दत्त के 6 डिफरेंट फेजेस और लुक्स को पोर्ट्रे किया है। इसके अलावा विक्की कौशल के रोल की भी काफी तारीफ हुई, जिसके बारे में मैंने डिटेल में उनके एवोल्यूशन वीडियो में बात की है। रोल
ये फिल्म कमर्शियली काफी सक्सेसफुल रही, जिससे रणबीर सर का स्टारडम भी रिवाइव हुआ, जिसके लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अपना तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 96 सीआर में बनी फिल्म संजू 587 सीआर की कलेक्शन करके उस दौरान रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। फिर साल 2019 में रणबीर और आलिया का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ स्माइल देके देखो। इस म्यूजिक वीडियो में कई लोगों ने नोटिस किया कि रणबीर कपूर की एनर्जी और चार्म मिसिंग था, जिससे कई लोगों ने सोचा कि शायद ये संजू मूवी में काम करने का इम्पैक्ट है, जिस वजह से रणबीर एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। बट एक्चुअली इस म्यूजिक वीडियो के शूटिंग के दौरान रणबीर के फादर ऋषि कपूर सर का न्यूयॉर्क में कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, और फिर 30 अप्रैल 2020 को ऋषि कपूर सर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 67। और फिर फिल्म संजू के 4 साल बाद रणबीर कपूर सर ने कमबैक किया 2022 में आई एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म शमशेरा में। अरे सुबह शाम ठोको, देखो आया करंदल, जिसमें उन्होंने संजय दत्त और वाणी कपूर के साथ काम किया। इस मूवी में रणबीर सर ने फर्स्ट टाइम डुअल रोल प्ले किया। बट फिल्म को क्रिटिक्स से मोस्टली नेगेटिव रिव्यूज मिले, और 150 सीआर में बनी यश राज बैनर की फिल्म शमशेरा 63.58 सीआर की कलेक्शन करके डिजास्टर रही। मैं आग से जलता नहीं, कुछ रिश्ता है मेरा आँख से। फिर आई अयान मुखर्जी की डायरेक्ट की हुई एक मल्टी स्टारर फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा। इस फिल्म का आइडिया 2011 में अयान मुखर्जी को ये जवानी है दीवानी की स्क्रिप्ट लिखने के दौरान आया था। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर और आलिया ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, और फिल्म की रिलीज से कुछ ही महीने पहले 14 अप्रैल 2022 को दोनों ने शादी कर ली। चंदा भी इस मूवी में दीपिका पादुकोण का अनक्रेडिटेड अपीयरेंस भी था, जिसमें उन्होंने रणबीर की मम्मी का रोल प्ले किया। ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी के इस फर्स्ट पार्ट ने अप्रोक्सीमेटली 400 करोड़ के बजट के अगेंस्ट 431 करोड़ की कलेक्शन की, लेकिन इसके वर्डिक्ट को लेकर ट्रेड एनालिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। कुछ इस फिल्म को हिट मानते हैं और कुछ हाई बजट के बेसिस पे फ्लॉप। बट रिसेंटली डायरेक्टर अयान मुखर्जी ने रिवील किया कि 400 करोड़ का बजट एंटायर ट्रायलॉजी को कवर करता है, तो इसीलिए बाकी की मूवीज की पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट और कलेक्शंस को ऐड करने के बाद ही पता चलेगा कि ब्रह्मास्त्र ट्रायलॉजी प्रॉफिटेबल रही या नहीं। बाय द वे, इस फिल्म की रिलीज के 2 महीने बाद रणबीर और आलिया की 6 नवंबर 2022 को बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने रखा राहा कपूर। एंड अभी लास्ट ईयर क्रिसमस 2023 को ही उन्होंने राहा का फेस रिवील किया। फिर उसी साल एक कॉमेडी फिल्म रॉकेट गैंग के एक सॉन्ग में भी रणबीर सर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। हर बच्चा है रॉकेट, इसके बाद हॉटस्टार पे प्रीमियर हुई विकी कौशल की गोविंदा नाम मेरा के एक सॉन्ग में रणबीर ने स्पेशल अपीयरेंस दिया। फिर साल 2023 में आई रणबीर और श्रद्धा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार। ये फिल्म भी सही थी, जिसमें रणबीर कपूर का एक रोमांटिक कॉमेडी जॉनर फिल्म में रिटर्न ऑडियंस को काफी पसंद आया। और इस सॉन्ग को तो रणबीर का ऑफिशियल एंथम घोषित कर देना चाहिए। अप्रोक्सीमेटली 110 करोड़ में बनी इस फिल्म ने 220 करोड़ की कलेक्शन की। आज के बाद एक खरोच भी आई, दुनिया चला दूंगा बाबा। फिर आई संदीप रेड्डीवांगा सर की एक एक्शन ड्रामा फिल्म एनिमल। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है, या दुनिया में सबसे बेस्ट। इस मूवी में दिखाई गई वॉयलेंस का इम्पैक्ट ऑडियंस पे इतना ज्यादा पड़ा कि इस सीन से इंस्पायर होके लोगों ने होटल्स में कुल्हाड़ी से मारपीट करना शुरू कर दिया, औरतों की इज्जत कम करना शुरू कर दिया, और गार्डन में नंगा घूमना शुरू कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे थैनोस की चुटकी से इंस्पायर होके लोगों ने चुटकी बजाना शुरू कर दिया, और गैंग्स ऑफ वासेपुर से इंस्पायर होके सरेआम थाने में थप्पड़ मारना, मौसी को चारपाई से गिराना, और टच करने से पहले परमिशन लेना शुरू कर दिया। जोक्स अपार्ट, इस मूवी में रणबीर ने पास्ट में किए अपने इंटेंस रोल से एक स्टेप आगे बढ़कर ये शेडी रोल प्ले किया, जिसमें लिटरली रणबीर सर ने अपनी परफॉर्मेंस से ये दिखा दिया कि होता होगा एक्टिंग करना एक स्किल, लेकिन मेरे तो खून में ही एक्टिंग है। मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा पसंद आया फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक। मेरा फेवरेट है किलिंग जीजा। We'll be right back.
और टब्बर ब्रदर्स यूनाइट और हम सारे भाई मिलकर पानी पर पानी लिखेंगे। भाई थिएटर में जब ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजा था तो उस टाइम एड्रेनलिन रश नेक्स्ट लेवल पे था। स्क्रिप्टिंग स्टेज में इस फिल्म का नाम डेविल रखा गया था एंड लेटर इसे चेंज करके एनिमल रखा गया। ये शमशेरा के बाद रणबीर सर की दूसरी फिल्म है जिसमें उन्होंने डुअल रोल प्ले किया। मजा नहीं आ रहा मंजोत कुलाड़ी सोट बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे। पहले भी मैं तुमसे मिला हूं। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो धोक दूंगी। और भाई पोस्ट क्रेडिट सीन में जो रणबीर ने ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है वो तो और भी ज्यादा डार्क और ब्रूटल था। इस मूवी में अपनी परफॉर्मेंस के लिए रणबीर सर को उनका चौथा बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। मोर ओवर इस मूवी में यंग रणविजय का रोल प्ले कर रहे चाइल्ड एक्टर उमर ने आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा में भी काम किया है। ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी जिसने उनकी अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म संजू का रिकॉर्ड तोड़ा। ये इंडिया की अब तक की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली ए रेटेड फिल्म बनी और 100 करोड़ के अगेंस्ट 917 प्लस सीआर की कलेक्शन करके ये ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स की लिस्ट में करंटली 8th पोजीशन पे है। और अगर रणबीर सर की अपकमिंग फिल्म्स की बात करूं तो साल 2025 में रणबीर एज प्रभु श्री राम, साई पल्लवी एज सीता माता एंड यश एज लंकेश रावण एक मिथोलॉजी फिल्म रामायण पार्ट 1 में नजर आएंगे और सनी पाजी हनुमान जी का रोल प्ले करेंगे। ये भी अभी रिसेंटली कंफर्म हुआ है। इस मूवी को दंगल और छिछोरे जैसी फिल्म्स दे चुके डायरेक्टर नितिश तिवारी सर डायरेक्ट करेंगे और मूवी की शूटिंग मोस्ट प्रोबेबली मार्च 2024 में शुरू होगी। इसके अलावा 25 में ही क्रिसमस के दौरान रणबीर कपूर, विकी कौशल और आलिया भट्ट साथ में काम करेंगे संजय लीला भंसाली की डायरेक्ट की हुई फिल्म लव एंड वॉर में। ये एक एक्शन लव स्टोरी फिल्म होगी जिसमें संजय लीला भंसाली बहुत टाइम से लीड एक्टर फाइनलाइज करने में लगे हुए थे बट रणबीर कपूर की एनिमल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्होंने रणबीर सर को ही अपनी फिल्म में लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया क्योंकि इस मूवी में भी रणबीर का कैरेक्टर ग्रे और शेडी है। फिर दिसंबर 2026 में रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी के सेकंड पार्ट देव में नजर आएंगे और फिर इसके एक साल बाद 2027 में वो ब्रह्मास्त्र के थर्ड यानी फाइनल पार्ट में भी काम करेंगे। इसके अलावा रणबीर कपूर फिर से डबल रोल प्ले करते हुए दिखेंगे संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म एनिमल पार्क में जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और स्क्रिप्ट से पहले संदीप सर ने अपने माइंड में सोचे कुछ सीन्स भी रणबीर कपूर को नरेट किए हैं जिसपे दोनों का कहना है कि इस फिल्म का सीक्वल और भी ज्यादा डार्कर और रूथलेस होगा। और वैसे भी शुरू से ही फैन थियरीज आना शुरू हो गई हैं कि इस सीन में ये रणविजय है या अजीज। इसके अलावा पीके के सीक्वल में भी रणबीर कपूर नजर आ सकते हैं जिसके बारे में राजकुमार हिरानी सर ने खुद कंफर्मेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू राजकुमार हिरानी फिल्म के एंड में उन्होंने रणबीर की आमिर के साथ अर्थ पे जो लैंडिंग दिखाई थी इसके आगे की स्क्रिप्ट जैसे ही अभिजात जोशी लिख लेंगे तो वो इस मूवी के सीक्वल पे भी काम करना शुरू कर देंगे। और गाइस हमारा सब्सक्राइबर्स टू व्यूअर्स रेशियो इतना कम क्यों है? माना मैं वीडियो के बीच में सब्सक्राइब कर दो बोल के व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करता, इसका मतलब सच में सब्सक्राइब नहीं करोगे? 100K सब्सक्राइबर्स होते ही चैनल पे पहला वीडियो द लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन सर पे आएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे अपनी एंगेजमेंट दिखाओ और हम सारे भाई मिलकर पानी पर पानी लिखेंगे। और तब तक सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो और काफी इंटरेस्टिंग जो है एक एवोल्यूशन रही है रणबीर कपूर की, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जो है मैं वीडियो देख के वीडियो में ही जो है खो गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो वीडियो जो है रणबीर कपूर के बारे में है, रणबीर कपूर ने जिसे अपने बाप दादा को लेके उनके कैरियर को लेके उन्होंने उनको शर्मिंदा नहीं होने दिया बल्कि उन जैसा ही बेहतर काम किया, जैसे कि बहुत अरसा तक जो है कपूर फैमिली ने इंडस्ट्री पे अपना सिक्का जमा के रखा है और काफ़ी अरसे तक जो है उनका नाम जो है चलता रहा। आरके स्टूडियो जो है इनका मुझे नहीं पता कि भारत के किस शहर में है। इनकी एक मूवी थी, आई थिंक इनकी सेकंड मूवी थी, उस मूवी का नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा, जिसमें रणबीर कपूर ने अपनी दादा को लेके जो है फिल्म को शूट किया था और उन्हीं के जो गेटअप में आवारा हूँ वाले गेटअप में वो नज़र आ रहे थे और पीछे आरके का स्टूडियो भी नज़र आ रहा। बाकी बात की जो इनकी मूवीज़ की 2007 से इन्होंने स्टार्ट लिया था और काफ़ी जो है इनकी मूवीज़ मैंने इतनी तो नहीं देखी लेकिन जितनी मूवीज़ इन्होंने यहाँ बताई हैं काफ़ी अच्छी लग रही थी और मैं ये सोच रही थी कि इनकी ये वाली मूवी देखूँगी, इनकी ये वाली मूवी देखूँगी।
अलबत्ता इनकी मैंने संजू मूवी देखी थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। वाकई में इन्होंने संजय दत्त के करेक्टर को बहुत अच्छे से किया था और लग रहा था कि वाकई में ये संजय दत्त हैं, बिल्कुल उनकी तरह इन्होंने इनको कॉपी किया। और मज़े की बात ये कि रॉक स्टार का इन्होंने बताया था कि रॉक स्टार के लिए इन्होंने बाकायदा इन्होंने गिटार जो है सीखा था ए आर रहमान से, आई थिंक इन्होंने बताया था। और काफ़ी इन्होंने मूवीज़ के लिए अदाकारी भी इन्होंने जाके सीखी थी, मतलब आउट ऑफ कंट्री गए थे वहाँ पे जाके इन्होंने सीखी है। हालांकि जो एक्टिंग है वो इनकी फैमिली में कह लें कि स्टार्टिंग से ही चली आ रही है, इनको सीखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे एक्टर हैं। काफ़ी अच्छी मूवीज़ जो है इनकी हैं। अभी रिसेंटली इनकी एनिमल मूवी आई है, एनिमल मैंने अभी तक पूरी देखी नहीं है, लेकिन एनिमल काफ़ी अच्छी मूवी है। इसमें बॉबी देओल का करेक्टर भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। और एनिमल मूवी तो मैं कह लूँ उसका नाम ही काफ़ी है। और अभी सुनने में आया है कि आई थिंक इनकी रामायणा मूवी जो है वो आएगी अभी, उसकी जो है आई थिंक लुक्स उसकी जो है लीक हुई है, मतलब कि अभी है कि ये मूवी जो है आगे 2027 तक आई थिंक सो आएगी। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारा आज का रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।